हेलो दोस्तों, तो ये आप मेरे हाथ में जो देख पा रहे होंगे ये है आपका ब्लूटूथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। और इसके जो आप बटन देख पा रहे होंगे तो ये इसके यहाँ पे बटन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मैंने जो वीडियो है कंप्लीट डिटेल वीडियो, इससे पहले मैंने अल्टो केटन में भी इंस्टॉल किए थे और ये आपका मैक्स लिन या मैक्स लिंक कंपनी का आता है आपका, तो वो है ये। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपकी ये स्कॉच है किस प्रकार से आप स्कॉच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से स्कॉच के थ्रू वायरिंग होती है, और इसमें आपकी वायर कट नहीं होती है। और जो आप किसी भी कंपनी में जो आप एसरीज फिट करवाते हैं, जैसे आप मारुति की जब अथोराइज सर्विस सेंटर में अगर आप काम करवाते हैं तो वहाँ पे जो स्कॉच इसी टाइप के स्कॉच यूज होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। ठीक है, मेरे पास ये वाला है और इसमें एक आपकी थिम्बल दी हुई जो इसके अंदर स्कॉच के अंदर फिट होती है और उसके बाद इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और ये इसकी मेन डिवाइस है। ठीक है, बाकी ये वाले जो आप देख पा रहे होंगे बटन, इसमें लाइट जल रही है और ये आपके यूएसबी केबल के थ्रू चार्ज होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पे घुसा रखा है और अभी मैं आपको इसको प्लायर की हेल्प से दिखाऊंगा किस प्रकार से आप इसे यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये लॉक हो चुका है काफ़ी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसके थ्रू इसमें कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आपका एक एक्सटेंशन आता है जो आपका JVC का म्यूजिक सिस्टम है उसके साथ, तो उसमें इसकी अर्थिंग और इसकी अर्थिंग मैंने इकट्ठी कर दी और इस म्यूजिक सिस्टम में जो अर्थिंग आ रही है उससे हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो वहाँ पे हमारा लगेगा इस टाइप का स्कॉच, उसके बाद हम इसको इस टाइप से इसमें फिट हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी कवरिंग है और ये आपकी जो थिम्बल है इसके अंदर हम ये आपकी रेड वाली वायर लगाएंगे और बाकी मैंने यहाँ पर वायरिंग कर ली है। अर्थिंग मैंने एक इसकी अर्थिंग जो आपकी एक्सटेंशन मिला हुआ है JVC के साथ, ये लगेगा आपका पीछे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के लिए। और अगर आप यहाँ पे भी अगर आप जो इसे जेन्युइन आते हैं मारुति के वो भी फिट करेंगे तो इसमें भी आपका इसी टाइप का एक्सटेंशन लगेगा। जो वायरिंग आपकी यहाँ से आएगी तो उसमें आपका इस टाइप का एक्सटेंशन इसमें ऐड होगा। तो ये वायरिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैंने छील दी है, काफ़ी छोटी तार है। ठीक है, तो इसको हम इसकी कवरिंग के अंदर से इस टाइप से निकाल के, ये मैंने निकाल दी है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे इसके इसमें फंसा के ऐसे, और फिर हम इसे जो आपका प्लायर होता है उसकी हेल्प से इसे इसमें दबा देंगे। ये देख पा रहे होंगे आप पूरे तरीके से इसमें जो तार है आपकी वो लॉक हो चुकी है इस टाइप से। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आपको कनेक्शन करने हैं जो स्कॉच वाली वायरिंग होती है। आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आप लाइटिंग करते हैं या कोई अनदर एक्सेसरीज जो भी आप अपनी कार में फिट करते हैं तो इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जा चुकी है अंदर बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आपको कनेक्शन करने हैं। ठीक है, और अब जो आपके मेन स्कॉच हैं ये लगने हैं इसमें। ठीक है, डिज़ाइन अलग अलग आते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं आपको जिस टाइप के स्कॉच भी चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया आपका ये टूथ ब्रश है, इसके हेल्प से मैंने ये प्लास्टिक का टूल बनाया है ताकि बॉडी के कवर खोलने में आपके स्क्रैच ना पड़े या कहीं पे स्क्रैच ना पड़े और आपकी जो गाड़ी की बॉडी है वो सेफ रहे। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे बनाया था इसे और अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो आज इस टाइप से हमें इसे खोल लेना है। ठीक है, ये कवरिंग खुल गई है, गाड़ी आपकी रहने वाली है फ्रांस। ठीक है, आपको जो ग्रैंड विटारा है उसमें भी इसी टाइप से देखने को मिलेगा। बलिनों में भी इसी टाइप को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम सीधे इसमें वायरिंग करने वाले हैं। तो ये आपकी वायरिंग रही। ठीक है, इसमें से हमने सिर्फ ढूंढना है आपका। ठीक है, ये वायरिंग है इधर वाली और इसमें हमें एक वायर ढूंढनी है आपकी रेड वाली और एक आपकी हो गई ब्लैक वाली अर्थिंग की। ठीक है, तो ये वायर आपकी रेड वाली जो अर्थिंग की वायर है ये वाली है, इसमें आपको स्कॉच इस टाइप से ओपन कर लेना है। ये आपका स्कॉच ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको इस टाइप से रखना है इसको और उसके बाद आपको
प्लायर की हेल्प से इसे ऐसे प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो गाइस ये आपका यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। और ऐसे आपको एक रेड वायर भी ढूंढ लेनी है जो कि आपकी रहेगी पॉजिटिव वायर, मेन कनेक्शन रहेगा आपका। तो एक स्कॉच हमें यहाँ पे लगाना है। तो पहले हम इसे एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि ये आपका मारुति का जेन्युइन कपलर है, तो एक बार हम इस पर मल्टीमीटर की हेल्प से इसे चेक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका स्कॉच भी लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपकी रेड वायर मिल चुकी है हमें, ठीक है, और उस पर भी हम स्कॉच फिट करने वाले हैं, उसके बाद हम आपको सीधा इसको फिट करके दिखाएंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे रेड वायर का भी कनेक्शन करने वाले हैं जो आपका पॉजिटिव कनेक्शन है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी आपको ये है कि आपको थोड़ी प्लायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें फंसता है अंदर, आपको प्रॉपर जो कनेक्शन है वो मिलता है, ठीक है। ये इसमें लॉक हो चुका है, इस टाइप से आपको कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव का भी कर लिया और ये आपका नीचे वाला नेगेटिव का है। अब मैं आपको इसका स्कॉच लगाने का तरीका दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपकी रेड वायर मिल चुकी है हमें, ठीक है, और उस पर भी हम स्कॉच फिट करने वाले हैं, उसके बाद हम आपको सीधा इसको फिट करके दिखाएंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे रेड वायर का भी कनेक्शन करने वाले हैं जो आपका पॉजिटिव कनेक्शन है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी आपको ये है कि आपको थोड़ी प्लायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें फंसता है अंदर, आपको प्रॉपर जो कनेक्शन है वो मिलता है, ठीक है। ये इसमें लॉक हो चुका है, इस टाइप से आपको कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिव का भी कर लिया और ये आपका नीचे वाला नेगेटिव का है। अब मैं आपको इसका स्कॉच लगाने का तरीका दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपका एक यहाँ पे एक्सटेंशन मिला था, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और इसके बाद ये वायरिंग यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है तो इसको हम रेड वाले के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आप फोमिंग टाइप की मैंने कर दी है ताकि इसके अंदर आवाज़ ना करे चलते टाइम, और ये स्पीकर का टेप है जो स्पीकर के बाहर से कवरिंग आती है, जब आप बेस मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे एक कवरिंग फाड़नी पड़ती है, तब उसके बाद आपका स्पीकर फिट होता है। तो ये वाली ये वायरिंग है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये आपकी अर्थिंग है, ठीक है। तो अर्थिंग वाली को हम अर्थिंग के साथ जोड़ देंगे इस टाइप से। ये आपका स्कॉच है यहाँ पे, इस टाइप से ये आपका ये हो गया है, और इसके बाद हम लगाएंगे आपका पॉजिटिव कनेक्शन। और इसके अंदर आपकी लाइट भी जल रही है, ठीक है। उसके बाद आप सारी वायरिंग यहाँ पे अंदर ऐसे ढक सकते हैं जैसे भी आपकी वायरिंग है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया है ताकि ये आवाज़ ना करे, जो मेरा ये टेप लगाने का मेन आपका मकसद है, ठीक है गाइस। इस टाइप से इसको हम आपको यहाँ पे ढक देंगे। उसके बाद गाइस जो आपका कवर है इसके ऊपर फिट हो जाएगा। गाइज तो इस टाइप से गाइज आप अपनी कार में
जो आपकी वायरिंग है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कॉच। इसमें आपकी जो वायर है वो कटेगी नहीं और आप कहीं से छीलने की कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्कॉच की हेल्प से आप अपनी वायरिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।